गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्ते विनोद, स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। और बाबू, आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज हमारे शादी को हुए हुए 4 साल कंप्लीट हो चुके। कहने का मतलब आज हमारा मैरिज एनिवर्सरी है। तो आज दिन भर बड़ा चहल पहल रहने वाला है घर में, तो आज बढ़िया वाला ब्लॉग बना रहे हैं। ब्लॉग में लास्ट तक बने रहना, कैसे कैसे करेंगे, कहाँ से केक लेके आएंगे, कैसे सेलिब्रेट करेंगे। और तुम लोग का बड़ा चाह है कि हमारे मेहरारू को तुम लोग देखो, तो दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? चलो। हाँ, तो बोलो, नल में ब्रश करेंगे अब, ठीक है? और त्रियान बाबू, वाह, टॉयलेट में बैठे हुए हैं, वाह, ठीक है। और मेहरारू वह खड़ी है, ठीक है। ए, मंदिर पे गाना बज रहा है, कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा, ठीक है। रुक बाबू, चाय पी ले दे। चाय है, चाय के साथ में नमकीन मिल गया है। और छत पे आए हैं, घाम लगा हुआ है, नहा वहा लिए थे तो थोड़ा ठंडी लग गया। नहीं, नहाए नहीं थे। अब बोलने की जरूरी है बीच में? या चार आदमी सुनेगा तो क्या कहेगा? मेरा रुआ बोल रही है इसकी। तो आज एनिवर्सरी था, तो अपने पत्नी के लिए देखो लिखे हैं, गोपी आई व्यू। और तुमको दिखा देना चाहते हैं, इधर देखो भरुआ मर्चा, देखो नहीं इधर से अच्छा दिखेगा, इधर से। और ये गोभी है, मुरई है, इसको सुखा रही है मम्मी, इधर भी। और उधर कोहड़ा रखा, नहीं कोहड़ा नहीं बोलते हैं उसको, भतुआ बोलते हैं, खबा खबा बोलते हैं, खबा, ठीक है। इधर भूसी रखा हुआ है। आज ब्लॉग बहुत लंबा जाने वाला है क्योंकि दिन भर का ब्लॉग बनाना है, ठीक है। तो चाय पी ले दे, फिर मिलते हैं। आज बहुत ज़्यादा काम है क्योंकि अभी छोटी बहन को भी लेने जाना है, क्योंकि आज एनिवर्सरी है तो सब मेहमान लोग आएंगे। और हमारी साली, हाँ, वो भी आ रही हैं, दो लोग, उनको भी लेने जाना है। और गोपी के लिए, मतलब हमारे पत्नी जी के लिए, आज एक अच्छा सा पायल खरीदना है, ठीक है, गिफ्ट के लिए उनको। तो आज बहुत ज़्यादा काम है, ठीक। तो बने रहो लास्ट तक, मज़ा आएगा, सारा चीज़ दिखाने वाले हैं आज दिन भर का सारा क्रियाकलाप। बाबू विनोद रे, भात आ गया, यहीं पे खाना पीना भी आ गया। रखो यहाँ पे, सबको दिखाएं काका आया है। देखो यहाँ पे आया है, दाल है, सब्जी है, भात है, और ये भरुआ मिर्चा है, ठीक है। तो रुक, भात खाई लेवे दे। पानी आया है, पनिया साफ नहीं है बेटा, पनिया साफ नहीं है, पनिया में कुछ गिरा हुआ है बाबू। हाँ, दूसरा पानी लेके आओ, मजाक कर रहे हो भाई तुम। रुक बाबू, भात खा ले। विनोद रे, भरुआ मर्चा के नाम पे हमारे साथ फ्रॉड गिरी हुआ है, देख। भरुआ मर्चा में कुछ नहीं है, हमारे साथ गद्दारी किया है लोग, मैंने बताइए, भरुआ में कुछ है ये नहीं है। हम बदला लेंगे जरूर तुमसे। बाबू इधर आ गए, त्रियांश भी आ गए, भात खावे, बैठ ही बैठ, त्रियांश भी आ गया। उधर जाएगा तो कैसे देखेंगे सब? बोल नमस्ते, नमस्ते बोल, ये विनोद नमस्ते, बात खा ले ले, बात खा। आ गए हैं, ठीक है। वो गोभी और मुरई हो, वो मर्चा हो, और हरी मर्चा है, हाई हरी, और हाई का हो, हरी हाई का, एक खबा खबा खबा। तो खाना पीना खा लिए, रेडी हो गए, जूता उता लगा लिए, अब जा रहे हैं शहर क्योंकि पायल लेना इनके लिए। और जो पायल खरीदने जा रहा हूँ वो यूट्यूब का पैसा है, यूट्यूब से आया था, तो उसी पैसे से इनके लिए पायल और बहुत सारा कुछ लेने वाला हूँ, ठीक है। तो बने रहना लास्ट। तो तैयारी कर लिए हैं, बाइक रेडी कर लिए हैं, अब चल रहे हैं शहर।
शहर पहुंच गए हैं, थोड़ा पैसा निकालना था बैंक से, ठीक है, पैसा वैसा निकाल लिए हैं, अब जा रहे हैं, छोटी बहन को लेने जा रहे हैं, मम्मी को यहीं छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पहुंच गए हैं, अब बने रहो लास्ट, अब जा रहे हैं, बहन को लेने जा रहे हैं, रास्ते में हैं, ठीक है बाबू। मौसम बहुत चटकदार है, देख रहे हो, बिल्कुल मज़ा आ रहा है, देखो है, अब ज़्यादा दूर नहीं है, बस आने वाला है, ठीक है, और हम जा रहे हैं, छोटा सा एक भांजा भी है हमारा, ठीक, तो कुछ देर में पहुंच जाएंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, बस 2 मिनट का रास्ता और बचा है, अब पहुंचने वाले हैं अपने छोटी बहन के गांव, ठीक है, बड़ा अच्छा गांव है ये, तो का 300 बुलाया है, ठीक है, चल भाई चलो, 300 से मिली, ये दृश्यम है, ठीक है, भांजा दृश्यम, मेरे भांजा है ये, सुनार के दुकान पे आ गए हैं, इधर देखो, वो पायल लेने के लिए, ठीक है, मम्मी लेने गई है, मम्मी पायल खरीद रही है, हम जा रहे हैं केक ऑर्डर करने, हम जा रहे हैं केक बनाने के लिए, मम्मी यहाँ पे खरीद रही है पायल, केक वाले की दुकान पे आ गए हैं, हम केक बनाने के लिए बोल देते हैं, केक बनाने के लिए टाइम लगता है इधर, तो इधर एक रेस्टोरेंट है, मतलब होटल जैसा है, उसमें बोल देते हैं बनाने के लिए, इसके यहाँ मतलब केक बनाने वाला आदमी नहीं है, वो बोल रही है 5 बजे से पहले नहीं दे पाऊँगी, इसीलिए अब दूसरे जगह पे जा रहा हूँ केक के लिए, देखता हूँ, बहुत ज़्यादा खोजने के बाद मैं तब यहाँ पे मिला है यार, आज यही पे साइड में था, मैं खोज आया कम से कम 25 से 30 दुकान पे, कहीं पे मुझे नहीं मिला, यहाँ पे दुकान है, जा रहा हूँ देख रहा हूँ, केक ऑर्डर कर दिया है, अभी आधा एक घंटा में लेके जाऊँगा, सारा कुछ करा दिया है, लगभग 800 का पड़ा है लगभग केक लिया, अब 800 का, 2 पाउंड का, ठीक है, यही वाला है, तो सारा गहना गुड़िया खरीद के हो गया है, भांजा पीछे बैठा हुआ है, अब हम चल रहे हैं घर, कुछ नाश्ता पानी करेंगे, ठीक है, इधर नाश्ता, देखिए सारी तैयारी हो गई है, केक वगैरह मैंने ला कर रेडी कर लिया है, अब कुछ देर के बाद में हम केक काटेंगे, और रोटी वगैरह बनवाया हूँ, और थोड़ा दुखी का माहौल है क्योंकि भोजपुर इंडस्ट्री में आप सबको पता है, और शायद ये वीडियो कल पोस्ट हो, वा कल ही हो सकता है आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी है और नेट भी बहुत स्लो होता है, तो सारा कुछ रेडी कर लिया हूँ इधर, और पूड़ी वगैरह बनवा रहा हूँ, और मांस मछली ये सब नहीं बना है, और मम्मी ने बोला कि ये सब नहीं बनना चाहिए, मांस मछली ये सब, अभी पूड़ी सब्जी खीर यही सब है आज के जो एनिवर्सरी कार्यक्रम है, ठीक है, तो सारा कुछ हो गया है, तो आज का ब्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं, फिर अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे, ले ओ ठीक है, चलते हैं, टाटा बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कमेंट करो, थोड़ा आप सब इधर माजरा देख लीजिए, इधर हमारे गाँव के प्रधान ये हैं, उनका हालत सबसे खराब है, बेटा इधर केक वगैरह खा के, ठीक है, टाटा बाय बाय।